खेत में बाजरा काटने को लेकर जमीनी विवाद के चलते एक ही परिवार के दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट और फायरिंग, एक दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। घायल 11 लोगों को पुलिस ने कराया जिला अस्पताल में एडमिट। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। दो लोगों की हालत अभी भी बनी हुई है गंभीर। एटा के थाना बाग बाला क्षेत्र के गांव अचलपुर गांव का मामला। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? अचलपुर। किस थाने पड़ता है? बाग बाला। ये झगड़ा हुआ है किस बात को लेकर हुआ है और कितने लोग घायल हुए हैं इसमें? 10 लोग के गंभीर हालत है, 10 लोग चुटेल हैं। चुटेल हैं। तो क्या फायरिंग हुई थी इसमें? फायरिंग हुई थी और लाठी डंडे से फायरिंग ज्यादा की, लाठी डंडे से बाद में थोड़ी पर फायरिंग से रही थी जी। बाजरा काट रहे थे हम अपना। किस बात को लेकर के ये झगड़ा हुआ है? खेत विवाद था, उन्होंने खेत पर कब्जा कर रहे थे। किसके खेत पर कब्जा कर रहे थे? मेरे पर। आपके खेत पर कब्जा कर रहे थे? तुरम सिंह के खेत पर, मेरे भाई हैं। अच्छा, आपके भाई हैं। तो कोई पुरानी रंजिश थी इनसे पहले? रंजिश नहीं, मेरे खेत के विवाद की वजह से कब्जा कर रहे हैं, गोली चला के खेल रहे थे। कल भी रहते थे, कल मेरी देखे थाने में, कोई सुनवाई थाने में नहीं नहीं हुई है। अच्छा, जब आज बाजरा काट रहे, बाजरा काटते जब वहाँ तोर कटाते हैं, फायरिंग बाजी के लिए रहते हैं पहले तो बहुत जी। थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सूचना नहीं आई। कल तहरीर देखे आए, कोई सूचना नहीं। तो इसमें 10 लोग घायल हो चुके हैं? 10 लोग घायल हैं, 10 लोग गंभीर हालत में। ठीक। बाजरा काटने को लेकर कुछ विवाद हुआ है, कुछ लोग घायल हुए हैं, कितने लोग घायल हुए हैं और क्या स्थिति है उनकी? 11 मरीज हमारे पास इस समय घायल मरीज आए हुए हैं, जिनमें से 2-3 लोगों की मतलब हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है, और सभी अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखे हुए हैं हमने, सबका इलाज चल रहा है और उनकी मजलूमी चिट्ठी आ गई है। स्थिति क्या है? स्थिति अभी तो अंडर ऑब्जर्वेशन है, 1-2 लोगों को हो सकता है रेफर करना पड़ेगा।